हेलो गाइस, सो अभी मेरा यूनिवर्सिटी जाना हो रहा है। सो आज संडे है, हाँ मतलब कि संडे को भी हमारे क्लासेस होते हैं। तो आज ना फाउंडेशन का लास्ट डे है, मतलब कि अभी हम लोग प्योर एमबीए में एंटर करेंगे। सो आई एम एक्साइटेड क्योंकि आज लास्ट लेक्चर होगा और प्रोफेसर को भी टाटा बाय बाय करना होगा, क्योंकि फाउंडेशन वाले प्रोफेसर अभी तक मैंने देखा ही नहीं है कि वो एमबीए पढ़ाते हैं। तो फाइनली हमारा फाउंडेशन ख़त्म हो रहा है और अभी मेरा यूनिवर्सिटी ना पीछे के रास्ते से जाना हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि आज संडे है तो जो बस की फ्रिक्वेंसीज होती है ना वो कम हो जाती है और टाइमिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो आज मेरे को पहले 49 नंबर की बस लेनी है, उसके बाद बे वन पे उतर के मेरे को सेकंड डाउनटाउन की बस लेनी है। यहाँ से मुझे 49 मेट्रो टाउन लेनी पड़ेगी बस, यहाँ के बस स्टॉप से। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, पूरा का पूरा एरिया, ये जो आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े पेड़ है, ये सब है, ये मेरे घर के पीछे वाला एरिया है। और इस एरिया को ना हम लोग UBC ऑन कैंपस हाउसेस बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं ज़्यादातर, और जो यूनिवर्सिटी पे काम करते हैं या प्रोफेसर्स हैं या फैकल्टीज हैं वो सब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये पूरा एरिया ही UBC वालों का है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हाउसिंग के मतलब ऐसा सोसाइटी वाला हमारा इंडिया जैसा नहीं है कि आपको एक घर के बाद तुरंत एक घर, तो यहाँ पे मतलब आपको एरिया ज़्यादा, ओपन एरिया ज़्यादा दिखेगा। तो अभी हम सीधे चलते हैं क्योंकि 7:13 को मेरी बस है और फिर 8 o'clock को मेरे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी यहाँ पे तो रेड लाइट लगी है तो हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ग्रीन लाइट हो चुकी है तो हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं एंड देन हमें वहाँ पे सामने जाना है, वहाँ पे बस आएगी हमारी 7:30 को। बट हम लोग इस तरफ भी आएगी, मतलब यहाँ पे दो स्टॉप है तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है, तो बेटर है कि हम लोग वहीं से पकड़ते हैं। और यहाँ पे बस ना मतलब कि एरिया वाइज अगर जाते हैं ना तो यहाँ पे 5-5 मिनट्स पे बस मिलती रहती है, ऐसा होता है। हमारे इंडिया जैसा नहीं होता है कि जैसे कि अगर एक छूट गई है तो देन 1-2 घंटे बाद आएगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। डिपेंड करते एरिया वाइज, क्योंकि जहाँ पे मेरा रहना होता है ना UBC नियर UBC, तो यहाँ पे बस की फ्रीक्वेंसी, हर बस की फ्रीक्वेंसी आपको 5-5 मिनट्स में मिल जाती है, मतलब कि एक छूट गई है तो यू कैन वेट फॉर दी 5 मिनट्स और उसमें दूसरी बस आ जाती है। कभी कभी आपको 2 बसेस भी मिल जाती है साथ में। ये कहना था कि मेट्रो बस होती है और चल रहे हैं, मुझे सेकंड बे पे उतरना है, फर्स्ट या सेकंड, वहाँ से मुझे सेकंड डाउनटाउन बस लेनी है। तो ये 7 फ्लोर है जहाँ पे मेरे ग्रोसरी शॉपिंग करने आना होता है। सो सेकंड डाउनटाउन वाली बस मेरे को यहाँ पे उतारती है और फिर ये मेरा यूनिवर्सिटी का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी
7:55 हो चुके हैं, 5 मिनट्स में मेरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा 8 o'clock को। आई एम एक्साइटेड, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि ये मेरा लास्ट फाउंडेशन का लेक्चर होगा, मतलब आज लास्ट डे है। देन सिर्फ सबमिशन ही करने हैं प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के। वैसे असाइनमेंट्स तो किसी में भी नहीं है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ही है। ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ मेरी यूनिवर्सिटी की, तो अच्छा है मेरा तो अभी तक का, तो अच्छा है। जल्दी से चलते हैं, क्लास में लेट नहीं होना है मेरे को। ये जो सामने वाली कांच की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, वो मेरी यूनिवर्सिटी है। सो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, बट क्रॉस नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, बट रोड क्रॉस करने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो अभी पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से एंट्रेंस है। एक्चुअली में ये पीछे का रास्ता है, हम पीछे से एंट्रेंस नहीं कर सकते, हमें आगे से ही मेन डोर से जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बारकोड स्कैन करवाते हैं। तो अभी हम सीधे सीधे चलते हैं। तो ये रहा हमारी यूनिवर्सिटी का प्यारा सा बोर्ड, बट हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये हमें फ्रंट पे लाके रोक देगा।